हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्सटबुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, और इसी काम में हमारी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए बाकी के सब्जेक्ट्स जो आई होप आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नोट्स उनसे ले रहे हैं और रेगुलर क्लासेस आप ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चाहते हैं हमारा सैंपल मटेरियल देखना, हमारे बारे में जानना, तो आप जा सकते हैं कहाँ, टेलीग्राम ऐप पे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको DPPs और सैंपल मटेरियल मिलेगा, जिससे कि आप जो है हमारा सैंपल मटेरियल देख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने आपके लिए डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहाँ पे जाके अपने क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फॉर क्लास 10 द ग्रुप लिंक इज TTB010। ठीक है, जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वहाँ से आप हमारा DPP और सैम्पल मटीरियल बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो मटीरियल आपको पसंद आता है और आप चाहते हैं और भी बहुत कुछ, ठीक है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे से और ज़्यादा जो है पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं कहाँ, हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। जी हाँ, कहाँ आपको दिखी, कहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, talkingtextbooks.in पे जाके आप क्या कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे। इसके अंदर हम आपको दे रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटीरियल। ठीक है, स्टडी मटीरियल बहुत सारा है लेकिन हम जो स्टडी मटीरियल दे रहे हैं वो एकदम अलग है। ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा लेकिन उसके साथ साथ हम आपको क्या दे रहे हैं, देखिए, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन हम करेंगे, लाइव लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे, लाइव डाउट सेशंस आपके लिए लेके आएंगे और होमवर्क सबमिशन आपको करना होगा। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंसिव मटीरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुँचाया जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और उसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क आपको करना होगा और वो होमवर्क आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लास रूम पे। ठीक है, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके लिए प्लान है। टेस्ट पेपर्स आपके लिए जो है वेबसाइट पे और हमारी ऐप पे आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आप जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट के लिए आ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, उनमें परफॉर्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको इवेल्युएट कर पाओगे आप अपने आप। ठीक है, आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ हैं आपकी, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है, कहाँ जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसके लिए टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी से पता चलता है आपने कितना कुछ सीखा है। ठीक है, आप सिंपली इसको बाय नाउ कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और इसके बाद जाते हैं कहाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा जो कि है डिस्काउंट कूपन। जी हाँ, डिस्काउंट सुनते ही, ऑफर सुनते ही सबके जो है मन में लड्डू फूटने लग जाता है, कितना डिस्काउंट होगा, है ना। हम आपको दे रहे हैं सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। बिल्कुल सही सुना आपने, कितना, 30% डिस्काउंट। और वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, दैट इज AMLIVE। जब आप ये अप्लाई करते हैं आपको डिडक्ट हो जाएगा आपका मेन प्राइस, जो भी आपका पैकेज का प्राइस होगा मेन, उसमें से 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं AMLIVE। तो यहाँ पे जो मेन प्राइस आएगा वो आपको देना होगा। ठीक है, कोर्सेज के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी कर सकता है। ठीक है, आप इस पैकेज को बाय कीजिए, बाय पैकेज पे क्लिक करके, और बाय पैकेज आप कर सकते हैं कहाँ से, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, है ना। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है, आप जो है इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, नंबर बहुत सिंपल है 9549041111। ठीक है, आपकी कोई समस्या, कोई तकलीफ आपको आती है सब्सक्रिप्शन लेने में, या फिर टेलीग्राम से संबंधित, या फिर हमारे बारे में कुछ जानना है आपको, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 5 हमने कर लिए थे, अब जो है हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, सो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए। कार्डिनल प्रॉमिस किया, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्मार्ट स्टूडेंट आप बन चुके हैं और स्मार्ट हैं क्योंकि आप जो है रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शन और इसका मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से आप जो है रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमने पढ़ा था और इसके अंदर हमने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होता है, वो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज योर रिडक्शन। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका साइमल्टेनियसली अकर हो जाए किसी रिएक्शन में, तो वो आपका होता है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उसी का आज हम जो है एक और वर्जन पढ़ेंगे, यानी कि उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये चीज हमने बेसिकली देखी थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, है ना। ऑक्सीडेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके अंदर जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ गया तो वो भी क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ वहां पे तो वो भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस, वो भी क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसी के अपोजिट जस्ट आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, वो भी क्या हो गया, आपका रिडक्शन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी क्या हो गया, आपका रिडक्शन। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने हमारे लास्ट लेक्चर में, दैट इज इन द 5th लेक्चर, वी हैव कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करके आपका जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है और कैसे आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है इस केस में। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट के ऊपर आज हमारा लेक्चर है पूरा, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दिस विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एंड ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे। सो बिसाइड्स अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर मोर कॉमन। ठीक है, इस तरीके से भी जो है हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके लूज करके। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, आपका क्या है, ऑक्सीडेशन। इसमें आपका क्या देख रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, जब आपका कोई आपका एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कुछ भी हो, तीनों में से कुछ भी हो, एटम, आयन और मॉलिक्यूल जब आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम डी इलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं।
ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके अंदर है आपका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, जब कोई एटम, आयन और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको डी इलेक्ट्रॉनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ आया, डेफिनेशन नोट कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं फिर। चल कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एटम, एटम के अंदर ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, सोडियम एटम है, कैल्शियम है, जिंक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, सोडियम एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बन गया, Na+। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं स्टेबल होने के लिए, और वहां पे क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। ठीक है, आयंस के बारे में आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में। ठीक है, क्या होते हैं आयंस, जब कोई आपका एटम क्या करे, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन कर ले, तब वो क्या कर लेता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटायन एंड एनायन। ठीक है, इसके अंदर भी यही हो रहा है आपका। ठीक है, यहां पे आपका न्यूट्रल एटम है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, Na+। ठीक है, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन लिख रखा है उसको बैलेंस करने के लिए, है ना, बैलेंसिंग से समझ आया, यहां भी देखो बैलेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम एटम इसको इस तरीके से लिखते हैं, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, वापस से जो है न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ओके, सो इसको किस तरीके से लिखोगे, सोडियम प्लस Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है वो, Na+। इसको एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या बन रहा है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+। ठीक है, और यहां पे कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या बन रहा है, Ca2+। ऐसे ही जिंक भी क्या बन रहा है, Ca2+। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वहां पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे आइए इस केस पे बात करते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, कैटायन है, कैटायन है मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहां पे आयरन है आपका, टिन है और कॉपर है। ठीक है, यहां पे क्या कर रहे हैं, ये और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आयरन है Fe2+, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या बन रहा है, Fe3+। ठीक है, टिन है आपका Sn2+, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Sn4+ बन रहा है। ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन रहे हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, कॉपर है Cu+, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन रहा है, Cu2+। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है कैटायंस के अंदर भी क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब आयंस के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो हमने देखा किसका, कैटायन का। चलिए एनायन पे भी देख लेते हैं कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, क्लोरीन आयन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, Cl2 बन रहा है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या नेगेटिव था, यहां पे क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहां ज्यादा थे, यहां क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है भाई, देखिए कहने की बात है, जैसे ये है Na और ये क्या हो गया आपका Na+। ठीक है, इसने लूज किया तो प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहां ऑलरेडी आपका माइनस है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, Cl यहां पे क्या कर रहा है, Cl- बन रहा है, मतलब इसने यहां पे क्या लिया, गेन कर लिया, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, यहां पे Cl- है, ये लूज करेगा और Cl2 में फॉर्म हो जाएगा, मतलब इसने क्या किया, लूज किया, इसके पास एक्स्ट्रा थे, है ना, इससे यही रिवर्स मान लो। ठीक है, यहां पे माइनस था और इसने लूज कर दिया, फिर क्या हो गया, वापस से न्यूट्रल बन गया। ठीक है, तो वही यहां पे हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, क्लोरीन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या बन रहा है, Cl2 यानी न्यूट्रल बन रहा है, MnO4। ठीक है, 2 माइनस क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, MnO4- बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन है O2-। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर आ रहा है वापस से। ठीक है, यानी कि नॉर्मल मॉलिक्यूल फॉर्म में आ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एनायंस में भी आपका जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल है आपके लिए
ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, H2S है, H2 और ये क्या हो गया, S हो गया, इसमें कैसे हो रहा है, H जो है किसमें जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो वहां भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका मॉलिक्यूल्स में भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट ड्यू टू विच, सो मार्क कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज ऑन सब्सटेंसेस इंक्रीज, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है उसकी वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीडेशन, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यहां पे आपने देखा इस केस में नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है जो वो बढ़ रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। वहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। नोट कीजिए इनको, जल्दी से एग्जांपल्स नोट कीजिए, समझ आया, ऑक्सीडेशन ऑफ एटम, ऑक्सीडेशन ऑफ आयन, ऑक्सीडेशन ऑफ कैटायन एनायन और ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए जो है वहां पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, उसका अपोजिट, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिडक्शन क्या हो गया, रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम आयन और मॉलिक्यूल व्हाट इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे क्या, आपका रिडक्शन, क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेशन, क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोनेशन, वो क्या था आपका, डी इलेक्ट्रोनेशन, ओके। अब इसके अंदर कैसे हो रहा है आपका जो है रिडक्शन, देखिए यहां पे रिडक्शन में क्या हो रहा है, एटम जो है, एटम आयन और मॉलिक्यूल आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां क्लोरीन एटम था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, क्या बन गया, Cl-, क्या बन गया, Cl-। सल्फर था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, S2-, ठीक है, क्या बन गया, S2-, ठीक है। इस तरीके से यहां पे रिडक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करा, न्यूट्रल बन गया, ठीक है, Pb4+, ठीक है, चार इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, कैटायन है, ठीक है, Pb2+ हो गया, चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है, यानी कि जो है आपका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, वो भी क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, वो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यहां पर डाइक्रोमेट है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका जो है Cr2O7-, ठीक है, क्या हो रहा है, Cr3+ के अंदर, ठीक है, रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, MnO2 से Mn जो है 2+ बन गया, वो भी क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और जो है वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है कम हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन, इन रिडक्शन रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये लाइन मार्क कीजिए और इनको जो है नोट कीजिए, ठीक है, नोट्स लीजिए प्रॉपर, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे जो हैं आपके लिए नोट्स बना के लेके आए हैं, तो इनको अगर आप नोट करते हैं और लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है, उसके साथ साथ के साथ नोट लीजिए और जो पढ़ा रहे हैं उसको जो है समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट आता है आपको साथ के साथ तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लाइव चैट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसका भी शेड्यूल बना हुआ है। तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी जो क्या करें वो सब्सक्रिप्शन लेके हमारे साथ जुड़ जाएं, आपको उसके साथ
लेक्चर्स के साथ भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे फ़ायदे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रहा करेगी और आपके लिए वीकली बाई वीकली क्विजेज रहेंगे और लाइव लेक्चर्स आपके लिए रहेंगे, ठीक है। मॉड्यूल्स आपके लिए प्रिपेयर हैं, वो भी आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। बहुत ही लो प्राइस है एज पर द मार्केट, और जो है इस प्राइस में इतना अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट किया ये, चल। ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से जो है हमारा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्या ऑक्सीडेशन नंबर का क्या रोल है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है आपका द चार्ज इन विच एटम हैज द आयनिक फॉर्म, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होता है, चार्ज होता है जिसके अंदर एटम जो है आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, किसमें, आयोनिक फॉर्म, और अपीयर्स टू हैव, ठीक है, जैसे लगता है आयनिक फॉर्म है, यानी कि जिनका आपको चार्ज नहीं पता वो आप चार्ज निकाल भी सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के अंदर जो है एटम आपका आयन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एटम प्रेजेंट रहता है, और ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट एज आयन्स, व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट्स एटम और आयन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जब सारे बाकी के एटम यानी कि एक कंपाउंड की फॉर्म में आपका जो है सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, एक कंपाउंड है, ठीक है, H2SO4 है सपोज, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन का या फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, यानी कि उसका चार्ज आपको पता लगाना है, कितना चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। वो आप कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है, वो हम इसके अंदर देखेंगे, कुछ गिवन सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग कर दो, सिर्फ सल्फर का आपको जो है चार्ज चाहिए, ठीक है, यानी कि उसकी आयनिक फॉर्म चाहिए, तो वो हमें ऑक्सीडेशन नंबर से पता चलती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं, गिवन सेट ऑफ रूल्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो है बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम ONB लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रूल, ठीक है। कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है ऑक्सीडेशन और आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स फ्री और अनकंबाइंड स्टेट फॉर्म इज जीरो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, एटम का, ठीक है, उसके किसमें स्टेट में, फ्री और अनकंबाइंड स्टेट में क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। थस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N2Cl2P4S8 हीलियम आयरन एक्सेट्रा इज जीरो, ठीक है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है जीरो होगा, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, अनकंबाइंड स्टेट में है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर कभी पूछ ले कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप क्या बोलोगे, जीरो, क्या बताओगे, जीरो, ठीक है। चलिए ये है आपका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस इन मोनोएटॉमिक आयन इज व्हाट, सेम एज द चार्ज ऑन देम, ठीक है, सेम एज द चार्ज ऑन इट, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या होगा, +1, ठीक है, चार्ज क्या है, +1 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। मैग्नीशियम है Mg2+, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 2+। Al3+, एल्यूमिनियम है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, 3+। सिमिलरली क्लोरीन का भी -1। इसी तरीके से जो भी आपके आयंस हैं उनका मोनोएटॉमिक आयंस, ओके, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, ठीक है, सिंपल है, अकेले हैं, मोनोएटॉमिक हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेम एज द चार्ज ऑन इट और चार्ज ऑन देम, ठीक है। चल ये आपका सेकंड रूल। थर्ड रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन कंबाइंड विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, ठीक है। एंड -1 व्हेन
कंबाइन विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है, इससे ज्यादा एक्टिव मेटल्स के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो वहां ये किस तरीके से बिहेव करेगा, हाइड्राइड की तरह बिहेव करेगा, जहां इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, क्या हो जाता है, -1, ठीक है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है यानी कि नॉन मेटल के साथ, तब तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, +1 होगा, ठीक है, और मोर एक्टिव मेटल्स के साथ जब ये कंबाइन हो रहा है तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइड्राइड की तरह, दैट इज H- और उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, ठीक है, समझ आया, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, इन गिवन सेट ऑफ रूल्स को आपको जो है याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप धीरे धीरे जो है बड़ी आसानी से याद होने लग जाएंगे, ठीक है। फोर्थ रूल है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ठीक है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका -2, इज मोस्ट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड वेयर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज वॉट -1, पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इन OF2 इज +2, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्या है आपका, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो उसका जो है क्या आ जाएगा, उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, मतलब उसका नेगेटिव वो खा जाएगा, है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का जो है OF2 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना, +2, ठीक है, चल नेक्स्ट, फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, इन बाइनरी कंपाउंड्स द मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड जिसके अंदर एक मेटल और नॉन मेटल कंबाइन है, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, और नॉन मेटल का क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि आपका HCl है तो यहां पे जो है एक मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, तो यहां पे इसका तो होगा प्लस और इसका होगा माइनस, ठीक है, ऐसे ही NaCl ले लो, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, तो कोई भी बाइनरी एलिमेंट है, दो यहां पे एलिमेंट कंबाइंड है, ठीक है, एक जो है पॉजिटिव होगा और एक जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा, ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो अल्कली मेटल है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी कि जो सेकंड ग्रुप के अंदर आते हैं उनका ऑक्सीडेशन हमेशा +2 होगा, ठीक है, Ca2+ और Mg2+, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, क्या होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आएगा, +2 आएगा, क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है, और द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन इज यूजुअली -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ योर हेलोजन, हेलोजन्स जो आते हैं आपके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा रहेगा, -1 रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, ठीक है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, -1, ठीक है। सिक्स इज योर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, द एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि कोई दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, द एलिमेंट विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एलिमेंट जिसका जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है नेगेटिव रहेगा, ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, यहां पे ये पॉजिटिव है और ये जो है N है, यहां पे क्या है, ये -3 है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -3, ठीक है, बट +3 इन NCl, यानी कि दोनों ही नॉन मेटेलिक हैं, ठीक है, तो क्लोरीन इससे जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका जो हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि वो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे जो है आपका नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे -3 रहेगा, ठीक है।
एट रूल्स हैं टोटल्स, ठीक है, छह हमने पढ़ लिए, सेवन और एट अभी देख रहे हैं, ठीक है। इन गिवन रूल्स को आपको जो है ध्यान में रखना है कब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए, बड़ा ही आसान है। अभी देखते हैं एग्जांपल्स, देख लेते हैं फटाफट से। सेवेंथ रूल क्या कहता है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑफ ऑल द एटम इज जीरो, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर उनका ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम, यानी कि उनके सारे मॉलिक्यूल्स का सम जो हो रहेगा वो जीरो के इक्वल रहेगा, ठीक है, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। यहां पे एट रूल क्या कहता है, इन एन आयन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, यानी कोई आयन प्रेजेंट है, आयनिक फॉर्म है, उसके अंदर उनका एल्जेब्रिक सम कितना रहेगा उस आयन के चार्ज के इक्वल, ठीक है। सपोज यहां पे सल्फेट है SO42-, तो इसके अंदर जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आपका -2 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल, -2 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर अब निकालेंगे जब इन रूल को अप्लाई करते हुए, ठीक है, इन रूल को ध्यान में रखते हुए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ योर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं किसके अंदर, H2S के अंदर, ठीक है। H2S के अंदर हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। देन राइट द गिवन और नोन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, ठीक है, बहुत बार आपको दिया भी होगा, है ना, कई बार आपको याद रखना है। और जिसका निकालना है उसको क्या लिखो, x लिखो, ठीक है, जिसका आपको पता है, जिसका गिवन है, वहां पे क्या लिखो, उस एटम उस मॉलिक्यूल को लिखो और उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ठीक है। जिसका निकालना है आपको उसके ऊपर x लिख दो, ठीक है। यहां पे हमें किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S, किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, किसके अंदर, H2S के अंदर, ठीक है। तो उसको हमने x मान लिया, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, टोटल राइट डाउन द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहां पे हमने क्या करेंगे, 1 यानी कि ये इसका चार्ज इंटू 2 यानी कि H2 दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, चार्ज दैट इज H2 एंड दिस इज प्लस 1 × 2 प्लस x का निकालना है, ठीक है, उसका चार्ज लिखा हमने, क्या माना है हमने, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है, x माना इंटू 1, एक आपका जो है एटम है तो हमने क्या किया इंटू 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इससे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, इक्वेट करो इसको, ठीक है। मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, रूल नंबर अभी हमने देखा सेवेंथ में, क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी सम विल बी इक्वल टू जीरो, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 + x = 0, ठीक है, हमारी इक्वेशन थी क्या, 1 × 2 + x + 1, ठीक है, ये इक्वेशन देखी थी अभी हमने, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी, 2 + x = 0, ठीक है, कैलकुलेट द x, x इज इक्वल टू योर -2, क्या हो जाएगा, x आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। थस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S इज -2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ गया आपका, -2 आ गया, किसके अंदर, H2S के अंदर, समझ आया, ठीक है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 एंड नाइट्रोजन इन NH4 होल ट्वाइस SO4, दैट इज योर अमोनियम सल्फेट, हमने फॉर्मूला बनाना पता है हमें, ठीक है। चलिए इसका बता देता हूं मैं, इसका आप निकालेंगे खुद, ठीक है। H2SO4 किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, ठीक है, क्या लिखोगे, H2, ठीक है, क्या होगा, +1, ओके, सल्फर का निकालना है SO4, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ रहा है। ऑक्सीजन का होता है 2-, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, उसी तरीके से 1 × 2 + आपका हो जाएगा x
ठीक है, ये आपका एक्स हो गया और फिर हो गया आपका प्लस माइनस टू इंटू फोर। ठीक है, ये कुछ आपकी इक्वेशन आई है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो, इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे, न्यूट्रल है ना, H2SO4 न्यूट्रल है, तो क्या करोगे, जीरो के इक्वल करोगे। ठीक है, क्या आएगा, टू प्लस एक्स प्लस दैट इज योर माइनस एट, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, अब माइनस एट आ जाएगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो इक्वेशन हो गई आपकी टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई आपकी, प्लस सिक्स आ गई। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन क्या आई आपकी, प्लस सिक्स इन H2SO4। ठीक है, किसके अंदर, H2SO4 के अंदर। ठीक है, जो आपका x था वो क्या आया, x आया आपका प्लस सिक्स। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इन द गिवन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आया, और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, इसका आपको खुद करना है। ठीक है, नोट किया, ये आगे बढ़े, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चल, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन सिंपल रेडिकल। ठीक है, सिंपल रेडिकल के अंदर किस तरीके से जो है ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालते हो, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखोगे NO3 माइनस, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। ठीक है, O का होता है आपको पता है 2 माइनस, N का हमें निकालना है, उसका हमने X मान लिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, X प्लस माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे, माइनस 2 इंटू 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। फिर क्या करोगे, X प्लस ये क्या हो गया आपका माइनस 6। ठीक है, तो इसको किसके इक्वल करोगे, माइनस 1 के इक्वल करोगे, क्या आया आपका X माइनस 6 आ गया यहां से, है ना, ये हमने कैलकुलेट किया, इससे हमारा आया X माइनस 6। अब इसको किसके इक्वल करना है, स्टेप 4। ठीक है, सारे स्टेप इसके अंदर सेम है एक्सेप्ट स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि कोई भी आपका आयन है उसका जो होगा सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो एल्जेब्रिक सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल, माइनस 1 के इक्वल, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब आप इसका जो है x कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा, प्लस 5। सो थस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज योर प्लस 5। क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर आपका नाइट्रोजन का, प्लस 5 होगा, किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन ClO4 यानी परक्लोरेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है। ठीक है, क्लोरीन का x मान लो, ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, माइनस 2 होता है, और ठीक है कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 8 दैट इज प्लस 7। क्या आएगा क्लोरीन का, Cl का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा प्लस 7, कितना आ जाएगा, प्लस 7। ठीक है, चल आया समझ में, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल एल्जेब्रिक है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 1, हमने क्या लिया यहां पर आपका चार्ज लिया, यहां पे क्या आया, ये चार्ज दे रखा है माइनस 1। ठीक है, तो उसको हम किसके इक्वल करेंगे, एल्जेब्रिक सम के इक्वल उसको कर देंगे, जिससे कि चार्ज आपका हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू आई आपकी प्लस 7, x की वैल्यू कितनी आई, प्लस 7, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ योर क्लोरीन इन पर क्लोरेट। ठीक है, चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स आयन, कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स आयन भी आपको दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, तो वो यहां पे पूछा है आयरन का इन दिस कंपाउंड। ठीक है, फेरिक
आपका हेक्सा साइनाइड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा, एफी का हम जो है एक्स मान लेंगे, ठीक है, साइनाइड का है माइनस वन, ठीक है, यहाँ पर सिक्स लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर, फोर माइनस यहाँ पर जो है ऊपर चार्ज दे रखा है, तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस फोर के, एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेट करोगे एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस सिक्स दैट इज योर प्लस टू, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी किसकी, एफ ई की, किसकी, एफ ई टू प्लस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इन दिस कंपाउंड, हैवी कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसके अंदर दे रखा है, कैसे आप इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का निकालना है, कॉपर को एक्स मान लो, NH3 यहां पे जीरो कर रखा है भाई, वाटर का भी जीरो कर रखा है, क्या चक्कर है, दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। यहां पे N का आपका हमने अभी देखा था क्या होता है, NH3 के अंदर N का ऑक्सीडेशन होता है आपका माइनस थ्री, है ना, और H है आपका प्लस वन, ठीक है, लेकिन तीन दे रखे, तो दोनों ही जब आप करोगे तो ऑक्सीडेशन जो आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के केस में हो गया, एच जो आपका है प्लस है, प्लस वन, दो दे रखे हैं, ऑक्सीजन है वन है टू माइनस, ठीक है, दोनों ही क्रिस क्रॉस करोगे क्या आएगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी जीरो है, ऑक्सीडेशन चार्ज उनका जीरो है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्स प्लस जीरो माइनस फोर, थोड़ा और डिटेल में आपको अच्छे से समझा रखा है मैंने, जीरो इंटू टू, ठीक है, क्या आएगा, प्लस टू यहाँ पे दे रखी है ना, सम किसके इक्वल कर देंगे, प्लस टू के, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, सिंपली प्लस टू, है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस टू आ गई, यानी कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर आ गया आपका क्या, प्लस टू, ठीक है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, दैट इज योर प्लस टू टू प्लस, ओके। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैलकुलेशन और द कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम, ठीक है, आपको डायरेक्टली ना बोल करके इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकता है, जिसका निकालना है उसको अंडरलाइन करके दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है। तो यहां पर जो है क्लोरेट में आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्लोरेट के अंदर किसका निकालना है, क्लोरेट का निकालना है, इसको एक्स मान लो, ठीक है, और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है, टू माइनस होता है, बार बार आ रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, सम किसके इक्वल करोगे, माइनस वन के इक्वल करोगे, क्योंकि माइनस वन चार्ज दे रखा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी जो है प्लस फाइव, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ओके, बी आर एफ थ्री, क्या होगा, ब्रोमीन का निकालना है, एक्स मान लो, ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, माइनस वन, ठीक है, अभी हमने रूल्स में पढ़ा सॉरी क्या होता है फ्लोरीन का, माइनस वन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमेशा, माइनस वन इंटू थ्री, ठीक है, जीरो, न्यूट्रल दे रखा है, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, क्या सम किसके इक्वल करेंगे, जीरो के इक्वल, ठीक है, माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, प्लस थ्री x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस थ्री आ गई यहां पर इस केस में, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया आपको। चलिए, ये था आपका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चार्ज निकालना होता है जब कभी आप जो है सब कुछ उसके जो है कंबाइंड एटम को अलग कर दो, फिर उसके ऊपर जो चार्ज आता है यानी उसकी आयनिक फॉर्म आती है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके आपकी जो है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना, इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं किसी रिएक्शन में तो वो आपकी क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है। हमने पहले भी देखी थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में
कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कैसे वर्क करती है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली बिकॉज इन अ रिएक्शन वन एटम आयन और मॉलिक्यूल और सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन वाइल अदर एटम व्हाट इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। दूसरा एटम, एक एटम क्या कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम आपका गेन कर रहा है। इन दिस वे द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस और उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल में दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यहां से इसका जो है ऑक्सीडेशन, इसका आप क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और मैग्नीशियम का क्या आ गया आपका Mg2+, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पर न्यूट्रल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन किया, वो क्या हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें पता है क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो आपका होता है ऑक्सीडेशन और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो होता है आपका रिडक्शन, ठीक है, समझ आया। तो ये जब दोनों साइमल्टेनियसली किसी एक इक्वेशन में अकर कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन सल्फर FeS फॉर्म हो रहा है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और सल्फर की है -2, तो आयरन का यहां पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि नेगेटिव से न्यूट्रल से जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहां भी न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो किसी एक रिएक्शन में दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं वो क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उसको हम बोलते हैं क्या आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सो दो सब्सटेंसेस विच गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस उनको हम बोलते हैं क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस क्या करते हैं खुद रिड्यूस होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दो सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और दो सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन और गेट रिड्यूस उनको हम बोलेंगे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन, ठीक है, इनको भी नोट कीजिए साथ के साथ, नोट किया, आगे बढ़े। चलिए लास्ट आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। Fe जो है यहां पर न्यूट्रल है, Fe2+ फॉर्म हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, और कॉपर Cu2+ है यहां पर जो है न्यूट्रल हो रहा है, ये आपका क्या हो गया रिडक्शन हो गया, ठीक है। सो Fe लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, सो इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। Fe जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है वहां पे, ठीक है, और इट इज इट गेट ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। यहां पे कॉपर जो है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन एंड क्या कर रहा है, ये इटसेल्फ गेट रिड्यूस एंड गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो गया ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है, ये चैप्टर हमारा किसके बारे में था, लेक्चर जो है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसके अंदर हमने सारी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा और ऑक्सीडेशन नंबर इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ जो है इसको शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब जो है आप, आई होप आप पूरी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 है ना, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप भी जो है होमवर्क कर सकें, उन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का फायदा उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।